तो वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीम आई पेज पे। तो आज ही बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध होने वाला है, बहुत ज़्यादा महायुद्ध होने वाला है। देखने वाली बात है कौन कौन सी टीमों के बीच में ये युद्ध होने वाला है और महासंग्राम होगा। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल पर टीम आई बनाम लेजेंड्स आर्मी के बीच की लड़ाई। तो देखने वाली बात है टीम आई से होने वाले मजनू, मनमीत, चूंकि नोबू है और अपने सेकेंड आईडी से आए हैं, तो और जॉन सिंजो और बॉस होने वाले हैं। तो वही दूसरी ओर टीम आई के अपोजिट टीम में होंगे लेजेंड आरडी, चूंकि खुद गिल्ड लीडर। आज टीम आई से वर्सेस करने आज टीम आई को चैलेंज दिया गया कि आ जाओ नूबड़ो, हम तुम लोगों को हरा देंगे, ऐसे चैलेंज दिया गया था। और लेजेंड की तरफ से आएंगे इटाची और एक प्लेयर को फिलहाल ले लिया गया, और आकाश आएंगे और एक प्लेयर का नाम पता नहीं क्या, हर्ष, ओपी हर्ष को ही ले लिया गया। पहला राउंड स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और जॉन सिंजो का फर्स्ट ब्लड रुके से नहीं रुकेगी, तो देखने वाली बात। और एक बंदे आकाश भी घुस साथ रहेंगे और उनको नॉक ले लिया जाएगा, और अकेले बचे इटाची। भाई लोग मैंने अपना नाम बताया था कि बताता है, चलो नहीं बताया होगा तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। इस राउंड को खत्म होने के बाद मैं अपना नाम फिलहाल पूरा बता दूंगा और बंदे अपने आपको हील करेंगे और सामने होंगे प्लेयर और ऐसे इनके साथ क्लिच हो रहा है और घेरा नहीं कर पा रहे हैं या फिर एलिमिनेट हो जाएंगे और एक राउंड लेके चली जाएगी टीम आई की स्क्वाड। सेकेंड राउंड स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है और गेम प्ले तो स्टार्ट होते ही रहेगा दोस्तों। तो पहले अपने भाई का नाम जान लो कि आपके भाई का क्या नाम है। आपके भाई का नाम है एडम, मतलब एडम चाचा, चाचाओं का चाचा जिसे कहते हैं एडम चाचा। तो देखने वाली बात है फिलहाल 4-on-4 का फाइट होता हुआ नजर आ रहा है और 4-on-4 का फाइट होता हुआ नजर आ रहा है और पहले ही राउंड पे तो क्या ही टीम आई ने मतलब ले गई थी, तो मजा आ गया था। तो टीम आई पे और देखने वाली बात है क्या लड़के लेजेंड्स आर्मी की स्क्वाड वापसी कर पाती या फिर नहीं कर पाती। तो देखने वाली बात है कौन सी राउंड लेके जाएगी, मतलब ये मैच कैसा होगा, कैसा रोमांचक होगा और कौन से हिसाब से मतलब ये चलेगा, भाई समझ में नहीं आ रहा। और ओ भाई क्या ही डैमेज दिया गया था नोबरू की तरफ से, और नोबरू खेल रहा है अपने सेकंड आईडी पे। तो देखने वाली बात है बंदे की हेल्थ लो करेंगे और सामने आएगा जोन और बैक लेते हुए ले जाएंगे, और इटाची जो कि लास्ट टाइम बचे थे उसी प्लेयर को पहले ले लिया गया। तो देखने वाली बात है फिलहाल 4-on-3 का फाइट होता हुआ नजर आ रहा है, क्या लड़के 4-on-3 पे टीम आई से अपना बदला पूरा कर पाते कि भाई तुमने अपना एक राउंड लेके चले गए, अब हम भी अपना एक राउंड लेके चले जाएंगे, ऐसा वापसी कर पाते। अपने फिर से एक प्लेयर आकाश को नॉक ले लिया गया, अब शायद सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ रही है हमें और थोड़े से डैमेज खाएंगे। और 2v4 का फाइट आता हुआ नजर आ रहा है और विंटर लैंड की इतने गंदे यूज कर रहे जा रहे हैं नोब्रू, वन शॉट लगाने के बिल्कुल फिराक पे थे और 2-0 से लीड ले लेगी टीम आई की स्क्वाड। फिलहाल थर्ड राउंड स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है और ये राउंड बनेगा क्लॉक टावर के राउंड है। और देखने वाली बात भाई लगातार पोकर MP40 और विंटर लैंड डबल बैरल और मजनू को इधर नॉक कर लिया जाएगा, और किसका ऐड आएगा भाई, आकाश का फर्स्ट ब्लड आएगा, अभी हेडशॉट से UMP का फर्स्ट ब्लड आएंगे हेडशॉट से। ओ भाई 3-on-4, आप बोल रहे हैं कि हम भी वापसी कर सकते जनाब, इतनी आसानी से हम टीम आई से वर्सेस करने नहीं आए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल एक प्लेयर को अपने उन लोगों ने भी कमाया है टीम लेजेंड्स आर्मी की स्क्वाड, दो दो प्लेयर को नॉक कर लिया गया और अकेले कोई नहीं बचा और 3-0 से लीड लेगी टीम आई की स्क्वाड। तो देखने वाली बात है चौथा राउंड स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, और स्टार्ट हो भी चुका है और फाइनली प्लेयर्स गेम प्ले भी आ चुके हैं और इस राउंड में भी आ चुके हैं। तो देखने वाली बात है 4-on-4 का फाइट और चौथा राउंड बनेगा ऑब्जर्वेटरी के अंदर, सामने होंगे मजनू और मजनू क्या करने वाले, प्लेयर ने अपने आपको शायद पूरा का पूरा ग्लोबल पैक कर लिया गया और एक बंदे का शायद नेट जा चुका है, हर्ष का नेट जा चुका है, ये क्या कर रहे हैं, ऊपर में चढ़ के बैकअप दे रहे क्या भाई, बैकअप दे रहे क्या अपने प्लेयर को। तो देखने वाली बात है यार मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ। आप मजनू भाई आज क्या खेल रहे हैं, इनका पिंग लोचा है फिर क्या, पिछले राउंड पे या फिर पिछले गेम में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मजनू बहुत अच्छे से गेम प्ले करते हैं, लेकिन इस राउंड पे पता नहीं क्या होगा। और हर्ष का नेट आ चुका है लग रहा है मुझे, हर्ष का नेट आता हुआ नजर आ रहा है और हाँ हर्ष का नेट आ गया। देखने वाली बात 3-on-3 का फाइट होता हुआ नजर आ रहा है, भाई चल क्या रहा है, एक प्लेयर इस साइड के नॉक हो रहे तो एक प्लेयर इस साइड के नॉक रहे भाई, पिछले कई गेमों पे ऐसा ही हो रहा है कि टीम आई से जो भी प्लेयर वर्सेस करने के लिए आते हैं वो प्लेयर मतलब एक प्लेयर टीम आई की जाती है तो मेरे एक प्लेयर उनकी स्क्वाड की जाती है। तो भाई
चलता क्या समझ भी नहीं आता। और 2v2 देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पे, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि 2v2 का फाइट आता है वो नजर आ रहा है और एक बंदे को क्या ओम स्कॉट कनेक्ट किया गया। और देखने वाली बात है फिलहाल ओम डबल ओम का नजारा कैसा देखने को मिलेगा। जॉन सेंजो के ओम ए भाई ये क्या क्या मार रहा है, ये मार क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। और अकेले बचे, अकेले आकाश बचे तो देखने वाले, ओ भाई क्या ही रेड नंबर दिया। नोबरू का थोड़ा सा खोपड़ा खोल दिया गया और इनकी हेल्थ कम बची और इनको नॉक डाउन कर दिया जाएगा और अन्ना किल पूरा पूरा कंफर्म करेंगे और 1v1 पे फाइट आता हुआ नजर आएगा। तो देखने वाली बात है क्या इनको जोन पे आने से रोक दिया जाएगा या फिर नहीं रोका जाएगा। और प्लेयर और जोन इतना सामने आ चुका है कि वो चाह के भी फाइट नहीं ले सकते और एलिमिनेट हो जाएंगे आकाश और 4-0 से लीड लेगी टीम आई की स्क्वाड। पांचवा राउंड स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है और मील के अंदर बनेगा राउंड और देखने वाली बात है स्कोप लगातार खुली जा रही है जॉन सेंजो की तरफ से। तो देखने वाली बात है मजनू घुसेंगे अकेले और इनको पड़ेगा क्या इनका घुसना महंगा, नहीं बैक आ जाएंगे शायद से बैक आएंगे, नहीं बैक नहीं आएंगे। और देखने वाली बात है बॉस रोटेशन ले रहे हैं और मजनू को थोड़ा सा 10-20 का डैमेज पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इधर भी सामने प्लेयर को डैमेज पड़ता है। लेजेंड जो खुद गिल्ड लीडर आज गिल्ड लीडिंग करते हैं शायद उनका भी इशू कुछ चल रहा है क्या, अच्छे से नहीं खेल पा रहे क्योंकि उनका गेम प्ले इतना बेस्ट है कि पूछो। और सामने होंगे मजनू के दो प्लेयर, मजनू को कर दिया जाएगा नॉक डाउन। तो देखने वाली बात है और भाई ये मनमीत क्या कर रहे हैं, मनमीत भी भाई कर क्या रहा है मनमीत, मतलब पूरा रेड पे ही रेड मारे जा रहे हैं, मतलब अपना बदला पूरा ले रहा है क्या। पिछले राउंड तुमने मुझे मारा था तो फिर मैं भी आपको मारूंगा इस करके। और जॉन सेंजो के सामने होंगे ओम, ओ भाई और MP40, ओ भाई क्या ही रेड नंबर, रेड नंबर से नॉक ले लिया जाएगा। और देखने वाली बात है 2-1 2-1 2 2-1 2 बॉस ने भी, बॉस मतलब कुछ भी ठीक है चल क्या रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि एक प्लेयर इस टीम के नॉक हो रहे थे, एक प्लेयर इस टीम के नॉक हो रहे और एक बंदे ही बचे, अकेले बचे ई चाची और ख़त्म कर देंगे नोबरू की तरफ से और 5-0 से लीड ले लेगी टीम आई की स्क्वाड। भाई 5-0 से लीड में मैं चाहता हूँ कि टीम लेजेंड्स की स्क्वाड वापसी करे और टीम आई को वापसी करने का संकेत दे दे और मैच को पूरे 5-5 पे बराबर कर दे। और देखने वाली बात है क्या लड़के वापसी कर पाते हैं। और फिलहाल तो 5-0 की लीड है टीम आई के पास, क्या अपने इस लीड को गंवा पाती है। हाँ जी हाँ आप लोगों ने सही सुना और सास लीड को गंवाना स्टार्ट कर दिया टीम आई ने और एक बंदा अपना खो लिया है। तो देखने वाली बात है मजनू भी सास से बहुत ज़्यादा डैमेज खाती हुए नजर आ रहे हैं और इनके सामने होंगे दो प्लेयर, कौन है इटाची के सामने होंगे दो प्लेयर और मनमीत क्या करने वाले। मूवमेंट तो इतने पास इतनी गंदी है कि पूछो मत, मतलब बहुत ही बढ़िया है गंदी, मतलब मेरा मतलब थोड़ा उल्टा होता है तो फिलहाल मैंने फन के लिए बोला था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 3-on-3 का फाइट आता हुआ नजर आ रहा है और बॉस आएंगे और एक बंदे को क्या ही नॉक ले लिया जाएगा डबल बैरल की तरफ से और लेजेंड्स आर्मी नॉक होंगे और एक बंदे की भी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा लो करी गया और 2-on-2 पर फाइट आता हुआ नजर आ रहा है और मनमीत यहाँ पे जोन पे नॉक हो जाएंगे और अपने बंदे को साथ साथ हील कर लिया जाएगा। हाँ हील कर लिया जाएगा और ये बंदे ओपी हर्ट्स ओ भाई बॉस को नॉक ले लिया जाएगा और अब अकेले बचे मजनू के सामने होंगे तीन प्लेयर। तो क्या मजनू तीनों प्लेयर से निपटा पाते हैं और इनको डैमेज पड़ेगा। ओ भाई सामने प्लेयर होंगे और ग्लोअल पे पैक कर दिया जाएगा और जोन भी सामने से आएगा, क्या मजनू ले पाते वो राउंड 3 इनके सामने प्लेयर होंगे। अरे भाई तीन प्लेयर के सामने मजनू खेलेंगे क्या ले पाते हैं, नहीं ले पाएंगे और हैक शॉट खा जाएंगे और 5-1 से वापसी करी टीम लेजेंड्स आर्मी की स्क्वाड। भाई क्या हो गया, सातवां राउंड स्टार्ट होगा, सीपीआर का राउंड बनता हुआ नजर आएगा और जोन तो रोके ही नहीं रही अपनी कदम और बोले कि तुम लोग फाइट लेते रहो, मैं जोन हूँ और मैं सामने से आऊँगा फाइट, अगर तुम लोग नहीं लोगे तो फिर मैं तुमको फाइट करने पे मजबूर कर दूंगा, ऐसा ऐसा जोन बोल रहा है, जोन घेरा है वो बोल रहा है, हमारे प्लेयर्स नहीं बोल रहे हैं ठीक है। तो इसलिए कोई दिल पे मत लेना, मैं तो सिर्फ फन के लिए बोल रहा हूँ, मजाक के लिए बोल रहा हूँ। ओ भाई क्या ही गंदी चाय कर रहा है भाई, ये क्या चला रहा है भाई, पूरी इतनी गंदी भाई कुछ आते हैं और नोबरू का हेलमेट तोड़ दिया जाएगा और 10-20 किल की हेल्थ बचेगी और दो प्लेयर नॉक, ओ भाई एक प्लेयर और नॉक होते हुए नजर आ रहे हैं और अब वापसी करने के पूरे संकेत देती है टीम लेजेंड्स आर्मी की स्क्वाड ने। तो देखने वाली बात जब गिल्ड लीडर खुद आए तो कैसे नहीं वापसी करेंगे यार टीम, देखने वाली बात है क्या वापसी कर पाते और कोई नहीं बचा और 5-2 से वापसी करेगी फिर से टीम लेजेंड्स आर्मी की स्क्वाड और रिमोट दिखाया जा रहा है बंदे को। तो देखने वाली बात है आठवां राउंड स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और फैक्ट्री के अंदर ये बनेगा राउंड और लड़के इतने बढ़िया वापसी कर रहे हैं कि पूछो मत, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने पे इनके गेम प्ले और जिस हिसाब से शॉट अपने कनेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से मतलब लग रहा है कि बंदे के पास मूवमेंट है सामने वाले प्लेयर्स के पास। तो बस 10 में इतनी तारीफ होगी और कोई नहीं और भाई नोबरू को नॉक कर दिया गया और ओम का 300 का डैमेज पड़ेगा और नॉक हो जाएंगे
और फिलहाल थोड़ी सी बिछड़ती हुई हमें फिर से दिखाई देगी। टीम आई की स्क्वाड तो देखने वाली बात है, दो दो बंदे नॉक हुए हैं और टू और फोर का फाइट आता हुआ नजर आ रहा है। और बॉस के सामने बॉस ने क्या किया है, बॉस ने खत्म भी कर दिया भाई, समझ में नहीं आया कि शॉट कनेक्ट हुआ नहीं। और बॉस का इमोट दिखाया जा रहा है, बॉस भड़केंगे साथ से और टीम लेजेंड्स आर्मी को साथ से वापसी करने का संकेत नहीं देंगे। और जॉनसन जो ऊपर पे जा रहे हैं, जबकि ऊपर फाइट लेना मना है, फिर भी क्या भाई ये फाइट लेते ऊपर बन के या फिर नहीं लेते। और इनकी हेल्थ काफ़ी जो ज़्यादा लो है, और अगर ये गिर जाते नहीं बच गए और अपने आप को पूरा पूरा हील करेंगे तो, और सामने आएगी जोन और इनके सामने क्या मतलब जोन जॉन सेंजो के सामने आ रही है जोन, भाई तू मता मैं आ रहा हूँ करके, तो देखने वाली बात है। इनके सामने होंगे तीन तीन प्लेयर, अगर ये हीलिंग बैटल भी करते हैं ये राउंड से ऐसा हीलिंग बैटल पे जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर से वो कूदेंगे तो ऊपर से कूदते ही उनकी हेल्थ लगभग 100 की डाउन हो जाएगी और सामने तीन तीन प्लेयर होंगे उनको ऐसा ख़त्म कर दिया जाएगा। और इमोट दिखाया जा रहे हैं कि आप भाई मोड दिखाया जा रहा है और शायद हीलिंग बैटल पे ये राउंड जाता है वो नजर आएगा मुझे, हीलिंग बैटल पे जाएगा क्योंकि जोन इतनी छोटी होती हुई नजर आ रही है। और जॉन सेंजो के सामने आ चुकी है जॉन, तो और लगातार 100 की हेल्थ अपने गंवाई है इसने, तो देखने वाली बात है क्या हीलिंग बैटल पे ये टीम आई को अपनी एक कदम आगे ले जाती है फिर नहीं ले जाती, तो देखने वाली बात है कि टीम लेजेंड्स आर्मी की स्क्वाड की तरफ अगर ये राउंड जाती है या फिर टीम आई की तरफ ये राउंड जाती है, तो देखने वाली बात है कि कौन सी टीम। और भाई इमोट भी दिखाया जा रहा है और हील भी कर लिया अपने आप को और सब लगातार 50-50 की हेल्थ जाएगी और बंदे डाउन होते हुए नजर आएंगे और भाई 5-3 से वापसी करेगी टीम लेजेंड्स आर्मी की स्क्वाड, तो देखने वाली बात है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, सच कह रहा हूँ मजा आएगा। और 5 दिन से वापसी करी टीम लेजेंड्स आर्मी की स्क्वाड, तो देखने वाली बात है। फिलहाल 4-on-4 का फाइट होता हुआ नजर आ रहा है और स्कोप खोलेंगे आकाश और एक बंदे का नॉक ले लेगा और मजनू की तरफ सैसन ने नॉक लेता हुआ नजर आ रहा है और डिजर्ट, क्योंकि उनके याद पे था और डिजर्ट से इनका खोपड़ा खोल दिया जाएगा लग रहा है मुझे, खोपड़ा खोल दिया गया है क्योंकि जब ये आए थे तो फिर इनका खोपड़ा इनके साथ था लेकिन खोपड़ा इनका नहीं है क्योंकि 272 का पड़ा होगा शायद। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदती आ रही होगी इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास कोई माइक ही नहीं है सर, और माइक ना हो तो क्या बोले। अरे ओ भाई ओम के सामने ओम प्लेयर और जॉन सेंजो, ओ भाई 150 का डैमेज दिया गया और लगातार 8-8 के डैमेज दे रहे, क्या इन बंदों को ले पाते हैं, नहीं ले पाते। जॉन सेंजो और इटाची की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा लो करेंगे और जॉन सेंजो घुसेंगे सामने और ओम ओम पर लेके चलाएंगे, इतने शॉर्ट रेंज पे ओम चलाएंगे तो कैसे चलेगा सर इतने शॉर्ट रेंज पे। और इनके सामने नोबरू और 4 फिलहाल अब टीम आई ने वापसी कर रही है, मुझे लग रहा है कि टीम आई अब इतनी आसानी से राउंड नहीं देगी टीम लेजेंड्स आर्मी को, भाई हम लोगों ने आप लोगों को 3-3 राउंड दे चुके हैं और अब टीम आई बोल रही है कि अब हम वापसी करेंगे, हमने 3 राउंड गंवा दी अपने साइड से, तो देखने वाली और एक बंदों को मजनू को क्या आई नॉक ले लिया गया, तो देखने वाली बात है। ओ भाई और मैसेज आता हुआ नजर आ रहे हैं मेरे मोबाइल पे, तो मैं नोटिफिकेशन ऐसे ऑन ऑफ कर लूं। और एक बंदे को और नॉक ले लिया गया और 6-3 ये क्या चल रहा है, ओम से ओम शॉट कनेक्ट किया गया और 6-3 से वापसी करेगी टीम आई की स्क्वाड, तो देखने वाली बात है। अभी टीम आई को केवल 1 ही राउंड जीतना बाकी रह गया और टीम लेजेंड्स आर्मी की स्क्वाड को 4 राउंड जीतना बाकी रह गया, तो देखने वाली बात है कौन सी स्क्वाड वापसी करती है और कौन सी स्क्वाड इस राउंड को लेकर चली जाती है, तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई मैं आप लोगों को इतने टाइम से अगर नहीं बताया होगा कि लाइक सब्सक्राइब तो भाई कर दिया करो यार, आपके भाई इतने मेहनत करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री होता है भाई, तो इस वीडियो पे लाइक एम 50 का होने वाले, तो 50 की लाइक तो मतलब लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ ऑनली ऑन 50 ही होने वाली, तो 50 टारगेट कर दिया करो यार, 50 तो हो ही जाती है लेकिन करते क्यों नहीं सर, कर दिया करो ना भाई। तो 4-on-4 का फाइट है फिलहाल, देखने वाली बात है। और आएंगे और नॉक लेके चले जाएंगे जॉन सेंजो को और कंप्लीट कर दिया जाएगा और सामने ये ऊपर से चढ़ रहे जबकि ऊपर में हमारी टीम आई की स्क्वाड ने फाइट नहीं ली थी, अगर फाइट लेना चाहती तो फिर वो फाइट ले सकती लेकिन UMP का लगातार हेड पड़ेगा और किसको नॉक ले लेगा, ओ भाई मनमीत को नॉक ले लेगा और दो दो प्लेयर होंगे सामने, 2-on-3 का फाइट आता हुआ, ओ भाई क्या मार गया लड़का, ओ भाई 272 का हेड शॉट मजनू की तरफ से आता हुआ नजर आएगा और देखने वाली बात है 2-on-2 का फाइट आता, एक बंदे को साथ हील कर लेगा जिसको 272 का पड़ा था उसे ही रिवाइव कर लेगा और 2-on-3 का फाइट आता हुआ नजर आएगा और मजनू और बॉस की जोड़ी कहां तक ले जाए, क्या इस राउंड को टीम लेजेंड्स आर्मी की स्क्वाड लेके चली जाती है। और मैंने फिलहाल तो स्क्रीनशॉट ले लिया उनकी स्क्वाड का कि भाई तुम ऊपर से फाइट लेते, मतलब सॉरी आप ऊपर से फाइट ले रहे थे और हम नीचे फाइट ले रहे थे, तो देखने वाली बात है। और जोन सासा घेर लिया जाएगा टीम लेजेंड्स आर्मी की तरफ, ओ भाई मजनू तो बिल्कुल खोपड़ा खोले जा रहे हैं MP40 से लगातार खोपड़ा खोले जा रहे हैं, फिलहाल आजकल इनकी गेम प्ले गंदी हो गई और नॉक हो जाएंगे, तो देखने वाली बात है। बॉस के सामने होंगे दो दो प्लेयर और लगातार डबल बैरल चलाई जाएगी और
ओ भाई डैमेज खाएंगे और ले गए ले गए ले गए टीम लेजेंड्स आर्मी की स्क्वाड जॉन को पूरे पूरे घेर चुकी है। और देखने वाली बात है जॉन को पूरे घेर लेगी और बॉस को कर देंगे एलिमिनेट और 6-4 से वापसी करेगी टीम लेजेंड्स आर्मी की स्क्वाड। तो देखने वाली बात है इस राउंड को कौन सी टीम लेकर चला जाती है, क्या इस राउंड को टीम आई की स्क्वाड बुझा कर पाती या फिर नहीं कर पाती। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल पर, बने रहिए दोस्तों क्योंकि इसमें नए नए वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो और ओ भाई लगातार जॉन सेंजो को ऐसा देख लिया गया और बहुत ज़्यादा डैमेज दिया गया। इसमें नई नई भी मैं ये बोलने वाला था कि इसमें नई नई वीडियोज आती है रोज़ के रोज़ हम लोग पब्लिक करते मतलब अपलोड करते, तो आप लोग वॉच किया करो यार, कर दिया करो भाई थोड़ा सा कर दिया करो। तो ठीक है फिलहाल तो 4-on-4 का फाइट होता हुआ नजर आ रहा है और देखने वाली बात है कि अभी तक किसी भी बंदे ने अपने मतलब अभी तक किसी भी टीम ने अपने एक भी बंदा नहीं खोया और अगर किसी भी टीम अगर अपने एक बंदे को खोलती तो फिर उस तरफ प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा और रश करना शुरू कर देंगे दूसरे टीम अपोजिट टीम या फिर कोई भी टीम अभी तक, और जॉन सामने से आएगा और फाइट करने पे दोनों ही टीमों को मजबूर कर दिया जाएगा। तो देखने वाली बात है और 4-on-4 का फाइट होता हुआ नजर आ रहा है और अभी तक एक बंदे को खो दे जाएंगे टीम आई के नोब्रू को खो दिया जाएगा। और देखने वाली बात है इतने शॉर्ट रेंज में भाई कौन चलाता है यार AWM में जॉन सेंजो तो रुके से नहीं रुक रहे हैं और मजनू पीछे से डैमेज देंगे और नॉक कर देंगे पूरे बॉडी शॉट पे। क्या ही बॉडी लगाई थी इसने शॉट और फाइट 3-on-3 पे आता हुआ नजर आ रहा है जाना। आप तो देखने वाली बात है कि तीन प्लेयर बचे और तीन प्लेयर भाई क्या हो रहा है चल क्या रहा है, मोमेंट की तो मतलब बात नहीं हो रही, मतलब मोमेंट इतनी ज़्यादा है प्लेयर के पास कि पूछो ही मत। और वो भाई मजनू घुसेंगे और 2-on-3 का फाइट आता हुआ नजर आ रहा है और देखने वाली बात है कौन सी स्क्वाड इस टीम इस राउंड को ले और दो प्लेयर नॉक होंगे भाई जॉन पे और अकेले बचे हैं मजनू और मजनू के सामने होंगे दो प्लेयर। क्या इन प्लेयर को मजनू ले पाते या फिर जॉन पे एलिमिनेट कर देंगे, ऐसा जॉन पे घेर दिया गया नहीं जॉन पे पहले से घिरा चुके हैं और एलिमिनेट हो जाएंगे और 7-4 से जीत जाएगी टीम आई की स्क्वाड। और फिलहाल तो 7-4 से जीत गई टीम आई की स्क्वाड और टीम लेजेंड्स आर्मी की तरफ से ईट आची छह किल के साथ MVP बने रहे और 7 और 8 किल के साथ नोब्रू YT मतलब आई नोब्रू MVP बने रहे टीम आई की तरफ से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के एक नए वीडियो पे, तो मिलते हैं, बाय बाय एंड लव यू ऑल।